हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी, जो मतलब बहुत लोग अवॉइड करते हैं इस रेसिपी को, लाइक अरबी। मतलब बहुत लोगों में मैंने सुना है कि हाथों में इचिंग होती है। इनफैक्ट मेरे भी हाथों में पहले इचिंग होती थी, जलन होती थी। तो मेरी नानी ने ये टिप दी है, जो मैं बताऊँगी आपको आगे वीडियो में, कि आप कैसे अरबी को यूज़ कर सकते हो जिससे आपको हाथों में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम बनाने जा रहे हैं कुरकुरी अरबी, जो 10 मिनट से बन जाती है। आजकल तो फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, तो आप रेसिपी बना सकते हो, बहुत जल्दी बन जाती है ये और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ 250 ग्राम अरबी ली है। अरबी को मैंने अच्छे से गर्म पानी से धो लिया है, तो हम इसे करेंगे स्टीम। स्टीम करने से क्या होगा, जो लोगों को हाथों में जो जलन होती है, इरिटेशन होती है, वो स्टीम करने से नहीं होगी। तो मैंने कुकर में 1/2 कप ऑफ वाटर लिया है, इससे मैंने स्टैंड लगाया। आप चाहे तो प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इसे स्टीम 2 से 3 मिनट ही करना है, बॉयल नहीं करना। तो ये स्टीम हमारी अरबी हो चुकी है। अब इसे हम करेंगे कटर की हेल्प से। आप चाहे तो नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हो। हमें इस पतली लेयर में ऐसे कट करना है। जितनी पतली लेयर होंगी उतनी हमारी अरबी जो है वो क्रिस्पी बनेगी। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, या हम राइस फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, 1 टीस्पून बेसन एंड 1/2 टीस्पून हल्दी एंड 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार एंड 1/2 टीस्पून चाट मसाला, मैंने ब्लैक सॉल्ट का भी यूज़ किया है, 5 से 6 कलियाँ लहसुन की एंड 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने पानी का यूज़ जो है बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि अरबी में जो है ना ऑलरेडी थोड़ा सा मॉइस्चर होता ही है, तो जो हमारे सूखे मसाले हैं वो अपने आप ही कोट हो जाएंगे। ये देखिए, जो हमारे मसाले हैं वो कोट हो चुके हैं। अब इसे हम करेंगे डीप फ्राई। मैंने ऑयल जो है पहले से ही गर्म कर लिया है, अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे करेंगे फ्राई। हमारा जो टिप ऑफ द डे है वो ये है कि हमें जो अरबी है वो स्टीम कर लेनी है सिर्फ 2 से 3 मिनट तक। जो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है हाथों में और वो पहले सब्जियाँ नहीं बना पाते थे, अब वो सब्जी आराम से अपनी बना पाएंगे, अरबी का यूज़ अच्छे से कर पाएंगे स्टीम करने से। हमें सिर्फ स्टीम जो है वो 2 से 3 मिनट ही स्टीम करना है बस। ये देखिए, हमारी जो अरबी है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारी अरबी फ्राई करेंगे। हमें ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने तक ही करना है, ताकि जो हमारी अरबी है वो क्रिस्पी बने अच्छे से। धीरे धीरे करके हमें तेल को हिलाना है, ताकि हमारी जो अरबी है वो अलग भी हो जाए और अच्छे से फ्राई भी हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर पुदीना, सूखा पुदीना यूज़ किया मैंने, और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और रेड चिली पाउडर। पुदीने का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है, तो आप चाहे तो डालें, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ज़रूर डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए, हमारी जो क्रिस्पी अरबी है वो तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे सर्व कर सकते हैं रेड सॉस या ग्रीन सॉस के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।